नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जनरल डोज वाई एजी पर। तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी भाई बीएड और जेवीटी वाले हैं उनको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थी परेशान हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि बताइए जेवीटी वालों को या फिर बीएड वालों को कब पास किया जाएगा, उसके लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, अगर लेंगे तो कब एग्ज़ाम होगा, अगर नहीं लेंगे तो किस फॉर्मूले से उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। और दोस्तों, एक खबर ये भी आ रही है कि असाइनमेंट के नाम पर जेबीटी और बीएड वाले विद्यार्थियों से पैसे कॉलेज वसूल कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बीएड और जेबीटी वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। उनको ये भी नहीं बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, अगर नहीं होंगे तो आपको किस फॉर्मूले से अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि जेबीटी वाले विद्यार्थियों को पास करने के लिए अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। एक दो बार इसके लिए आवाज़ उठ चुकी हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा, तभी ये सरकार आपके लिए कोई फैसला ले पाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब फाइनल ईयर और रीअपियर वाले विद्यार्थियों के लिए जब फैसला लिया गया था, जब पहला नोटिस आया था, ये बोला गया था कि जुलाई माह के अंदर आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था। इसी वजह से सरकार को अपना कदम पीछे लेना पड़ा था और विद्यार्थियों को प्रमोट करना पड़ा था। तो दोस्तों, दो से तीन बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको हरियाणा के सीएम को मेल करना होगा, और जितने विद्यार्थियों से आप करवा सकते हैं उतने ज़्यादा विद्यार्थियों से आप मेल करवाएं। हरियाणा के सीएम की ईमेल आईडी है cmharyana@nic.in। तो दोस्तों, आप इस ईमेल आईडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से मेल करवाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई विद्यार्थी फाइनल ईयर वाला या फिर रीअपियर वाला इनको देख रहा है जो बीएड और जेबीटी नहीं कर रहे, क्योंकि दोस्तों ये भी अपने ही भाई हैं और इनके लिए आवाज़ उठाना हमारा हक बनता है, तो दोस्तों आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा कि हरियाणा के सीएम को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें। और जब भी हरियाणा के सीएम फेसबुक पर या फिर ट्विटर के ऊपर कोई भी पोस्ट डालते हैं तो वहाँ पर अपनी समस्या से उनको अवगत कराएं, इससे काफ़ी असर पड़ेगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों अभी एक खबर निकल के आ रही है कि बीएड और जेबीटी वाले विद्यार्थियों से असाइनमेंट में अच्छे नंबर लगाने के नाम पर इंस्टीट्यूट और कॉलेज पैसा वसूल करना चाह रहे हैं। 10 से 15 हज़ार रुपये एक विद्यार्थी से मांगे जा रहे हैं, तभी आपके अच्छे नंबर असाइनमेंट में लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी विद्यार्थी से कॉलेज इंस्टीट्यूट्स इस तरह की डिमांड करते हैं तो आप इसकी शिकायत ज़रूर करें, चाहे वो सीएम विंडो में करें, चाहे इस मेल आईडी पर करें, क्योंकि इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा अगर आप शिकायत करते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।